Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. आज हमारा सब्जेक्ट है साइंस। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारा है एनिमल्स का। जैसे कि एनिमल्स में मतलब हम जानवर्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स आर मैनी शेप्स एंड कलर, मतलब जानवर जो हैं वो अब मुख्य रंगों के होते हैं, मुख्य कलर्स के होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एलिफेंट है, जिराफा है, ज़ेब्रा है, और इस तरह से डक वगैरह जो बनाई हुई है, और बर्ड्स भी हैं। मतलब कि इनके अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग ही इनकी ग़ज़ाएँ होती हैं, अलग मुख्तलिफ कस्म के होते हैं, और इनकी खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अलग अलग इनकी खसूसियात। नेक्स्ट हम आएंगे अपने इंसेक्ट्स की तरफ। इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। कीड़े मकोड़े जो है वो कीड़ा जो है इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। कीड़ा जो है हमारा छोटा एनिमल होता है। दे क्राउन, मतलब कि दे क्राउन वो रिंगते भी हैं। मैनी इंसेक्ट्स आल्सो फ्लाई। कुछ कीड़े जो हमारे रिंगते भी हैं, कुछ उड़ते भी हैं। जैसे कि लेडी बर्ड है वो रिंगता भी है और उड़ता भी है। आर्ट जो है वो रिंगता है, जिस तरह से ही उड़ता नहीं है। बटरफ्लाई रिंगती है, उड़ती भी है। बी हमारा है जैसे कि सनफ्लावर पर बैठती है, रिंगती भी है और उड़ती भी है। इस तरह से ये काफ़ी एनिमल क्या है, काफ़ी इंसेक्ट जो हैं वो हमारे रिंगते भी हैं और उड़ते भी हैं। नेक्स्ट हम आएंगे अपने स्मॉल एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा है स्मॉल एनिमल, मतलब छोटे जानवर्स के बारे में। माइस, रैबिट, स्क्विरल, कैट एंड डॉग आर स्मॉल एनिमल्स। जैसे माउस, रैबिट, स्क्विरल, कैट एंड डॉग जो हमारे छोटे एनिमल्स। जैसे देखें डॉग है, डॉग में कुत्ता, गोल्फ, ये गोल्ड फिश बनाई, कैट, बिल्ली, माउस, चूहा, पैरट, तोता, रैबिट, खरगोश, स्क्विरल, गुलेरी, स्पैरो, इस तरह से चिड़िया। तो इस माइस, रैबिट, स्क्विरल, कैट एंड डॉग आर स्मॉल एनिमल्स। माउस, रैबिट, स्क्विरल, कैट और डॉग हमारे छोटे जानवर से। वी कीप कैट एंड डॉग एज पेट, मतलब कि बिल्ली और कुत्ते को जैसे कि हम पालते हैं, हमारे पालतू जानवर्स भी घरों में आप हम लोग कैट भी रखते हैं, डॉग भी रखते हैं। जैसे स्क्विरल एंड बर्ड लाइविंग ट्री, गुलेरी, स्क्विरल में गुलेरी, स्क्विरल एंड बर्ड लाइविंग ट्री, मतलब कि गुलेरी जो है हमारे दरख्तों पर होती है। जैसे कि देखिए आपको पिक्चर्स में भी बताया गया है कि आपको ये दरख्त की दरख्त पर नजर आएगी, ज़्यादातर आपको गुलेरी जो है वो दरख्तों पर ही नजर आएगी। तो माइस एंड रैबिट लिव इन होल्स इन द ग्राउंड, मतलब कि माउस और रैबिट्स के जो हैं, माइस एंड रैबिट लिव इन होल्स इन द ग्राउंड, मतलब कि चूहा और खरगोश जो है वो मतलब होल्स में रहते हैं। जैसे कि आपने देखा चूहे घरों में कहीं होल्स बना हो तो वहाँ पाए जाते हैं। रैबिट जो है वो ज़मीन में अपना होल बनाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। चूहे अक्सर जैसे घरों में कोई सुराख होता है या कहीं गली में कोई सुराख हो या कहीं पर भी कोई सुराख हो तो वहाँ पर चूहा लाजमी होगा। मतलब कि माइस एंड रैबिट लिव इन होल्स इन द ग्राउंड, मतलब कि चूहा और रैबिट जो है अपने होल्स में रहते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे अपने वाटर एनिमल्स की तरफ। वाटर एनिमल्स मतलब कि पानी वाले जानवर्स हैं। पानी में हमारे ये वॉल भी है, डॉल्फिन है, स्टार फिश है, क्रैब है, ये फिशेज़ के बारे में, सी हॉर्स है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो वाटर एनिमल्स पानी वाले जानवर, वाटर एनिमल लिव इन वाटर, देखिए पानी वाले जानवर जो हैं पानी में ही जिंदा रहते हैं। तो फिश हैव फिन्स टू स्विम इन द वाटर, मतलब फिश जो है अपने परों के जरिए जो है तैरती है। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, मतलब फिश जो है अपने गलपरों के जरिए जो है सांस लेती है। जो है देखिए पानी वाले जानवर पानी में ही रहते हैं और पानी में ही जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे अपने वाइल्ड एनिमल्स की तरफ। जो वाइल्ड एनिमल मतलब जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं, देखिए जैसे कि फॉक्स, ये स्नैक्स है, ये टाइगर, बियर, मंकी, ज़ेब्रा, जिराफा, लायन, ये आपके पिक्चर्स में ये सारे एनिमल्स दिए गए हैं। देखिए वाइल्ड एनिमल लैंड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स लीव फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड टाउन, तो देखिए जो ये जो जानवर्स हैं जैसे लायन वगैरह है, ये जितने भी जानवर आपको दिए गए ये हमारे सिटीज और टाउन से बहुत दूर रहते हैं, मतलब कि आपको आसपास ही मेरे नज़र नहीं आएंगे। ये आपको अलग मतलब जंगल में ज़्यादा नजर आएंगे, हमारे सिटीज और टाउन से बहुत दूर होते हैं। दे वॉक एंड रन, मतलब कि भागते भी हैं और चलते भी हैं। सम ऑफ देम क्लाइंब ट्री, मतलब कि सम ऑफ क्लाइंब, कुछ जानवर जो है दरख्तों से भी लटकते हैं, जैसे कि हमारे मंकी जो है वो दरख्तों पर लटकता है। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, कुछ जानवर जो हैं वो जानवरों को ही खाते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट, कुछ जानवर जो है जानवरों को भी खाते हैं, कुछ जानवर प्लांट्स को भी खाते हैं। इसी तरह से सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जैसा कुछ जानवर जो है प्लांट्स भी खाते हैं, कुछ जानवर एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ जानवर जो है जानवर्स को भी खाते हैं, कुछ जानवर प्लांट्स भी खाते हैं, कुछ जानवर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। ये हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। अब हम आएंगे अपने यूजफुल एनिमल्स की तरफ। जैसे कि यूजफुल एनिमल हमारे फ़ायदेमंद एनिमल्स कौन कौन से हैं।
फायदेमंद हमारे लिए जो मुर्गी हैन है, हमारा काऊ है, गॉट है, हॉर्स है, कैमल, मतलब कि हमारे यूजफुल एनिमल्स हैं। ये हम हैन जो है वो हमें अंडे भी देती है, हमें गोश्त भी देती है, बकरी हमें दूध भी देती है, हमें गोश्त भी देती है, काऊ हमें गोश्त भी देते हैं, मिल्क भी देते हैं, हॉर्स है हमारे मतलब कि कहीं आने जाने, मतलब हॉर्स वो भी हमारे फायदेमंद में है, कैमल्स है वो हमें दूध भी देते हैं, हमें गोश्त भी देते हैं, मतलब ये हमारे क्या है यूजफुल एनिमल्स हैं। वी कीप दिस एनिमल्स ऑन द फार्म, मतलब कि हमारे ये फार्म में पाए जाते हैं, हमारे फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे अपने बर्ड्स की तरफ, बर्ड्स में परिंदे, जैसे कि देखिए आप पैरट है और ये आपको हिरोन दी गई है, स्पैरट है, डक है, वोल्ट है, मतलब कि वोल्ट पीकर दी गई है आपको, ये वॉल्चर्स भी हैं, हॉक्स हैं, ये पैर, ये इस तरह से कहा, इस तरह से आपको बर्ड्स की सब पिक्चर्स ड्रॉ की गई हैं। अब बर्ड्स हैज फीदर, मतलब कि बर्ड्स के जो है पर होते हैं, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, मतलब कि ये बर्ड्स हैं उड़ते भी हैं, बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, मतलब कि हर मतलब कि परिंदे की जो है अलग अलग गिजाएँ होती है। जैसे कि देखें पैरट है, आप पैरट ईट फूड, मतलब कि पैरट जो है फ्रूट्स खाता है, ठीक है। आप हर बर्ड्स की एक गिजा नहीं होती, सबकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ गिजाएँ होती हैं। पैरट जो है हमारा फ्रूट खाता है, जैसे डक या डक ईट वाटर, मतलब कि वो पानी पीता है, और हम प्लांट भी खाते हैं और छोटी छोटी फिशेज को भी खाते हैं, पानी में रहता है, पानी में अक्सर छोटी छोटी फिशेज होती है तो उन्हें खाते हैं। और स्पैरो ईट सीड्स, मतलब स्पैरो जो भी ईट सीड्स, मतलब बीज वगैरह जो गिरे होते हैं या बीज से वो वही दाने जो होते हैं वो उतना ही स्पैरो और काऊ वगैरह के सब वो खाते हैं। ये हमारा जो मोर पेकर, मतलब कि जो हमारा मोर है वो क्या खाता है, इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जैसे कि आंट है वो कीड़ा वो उसकी खा जाएगा, लेडी बर्ड्स उन्हें नजर आती है, लेडी बर्ड्स खाते हैं, प्लांट्स में अक्सर छोटे मोटे कीड़े पाए जाते हैं जो कि वो खाते हैं। हम आएंगे अपने वॉल्चर्स पे, ये देखिए हमारे वॉल्चर डेड एनिमल्स, मतलब कि ये हमारे मरे जानवर खाते हैं, जैसे ये अब कीड़ा है वो मर गया तो उसे उसने खा लिया, कोई लेडी बर्ड है वो मर गया उसे खा लिया, कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसे नजर आ जाती है वो डेड एनिमल्स खाते हैं। ये अब हमारे हॉक्स पाएंगे, तो हॉक्स ईट स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब कि वो छोटे छोटे परिंदों को भी खा जाते हैं छोटे छोटे। हाँ मैं आपको बता रही थी कि हॉक्स ये स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब कि वो बर्ड्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे वुड पीकर का बताया था कि वो जो है इंसेक्ट्स, मतलब कीड़ा मकोड़े खाता है, ऐसे ये हिरोन है वो हिरोन ईट स्मॉल फिश, मतलब देखिए आप उसके मुँह पर फिश देख रहे हैं, वो फिशेज खाते हैं, पानी में रहते हैं तो पानी में छोटी मोटी फिशेज, प्लांट में रहते हैं तो प्लांट में छोटे मोटे मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इनकी अलग अलग सब परिंदों की अपनी अलग अलग गिजा है। चिड़िया जो है वो दाना खाती है, काऊ वो भी दाना खाती है, और ये मोर वगैरह ये इस तरह से जो है अब सबकी अलग मुख्तलिफ गिजा होती है। अच्छा मैं आपको कॉपी वर्क बताने से पहले आपको बुक वर्क बता दूँ कि आपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड आउट करना है, कुछ समझना है तो आपने टीचर से स्कूल में आपने आके रब्ता करना है, 9 से 12 बजे के दरमियान आपने कुछ भी पूछना था आके आप पूछ सकते हैं। नया आप चैप्टर रीड आउट करने के बाद आपने अपनी एक्टिविटी की तरफ आना है। देखें आपको यहाँ पर रैपिड और वुड पीकर, फिश और टर्टल और आपको स्नेल की पिक्चर्स दी गई हैं, आपने इन्हें आउटलाइन करके आपने अच्छे से इसको कलर करना है। कलर करने के बाद आपको ये फिर नेक्स्ट 2 पेजेस पे भी आपको ये मतलब कि आपको एक्टिविटी दी गई है, आपने इन्हें भी करना है। मैथ के कॉलम दिए गए हैं आपको, ये इस तरह से आपको ये मैथ के कॉलम दिए गए हैं, राइट आंसर नो के आपको ऑप्शन दिए गए कि आप लाइन्स बर्ड क्लॉज है बर्ड्स वो लिखते हैं नहीं, इस तरह से आपको नो यस में आंसर देना है। फिर आपको 3 पिक्चर्स दी गई हैं, आप उनके नेम लिखते हैं, उनमें कलर्स करने हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों की आपको फॉलोइंग बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स, मतलब कि आपको ये देंगे, आपने जो स्लैश है आपको उसको फिलअप करना है, आपको एक बर्ड्स दिए गए हैं क्रोल था उसमें कौन सा वर्ड मिसिंग, अल्फाबेट कौन सा मिसिंग है आपने उसे फिलअप करना है। नेक्स्ट आप लोगों को राइट द नेम्स, मतलब वाटर एनिमल्स के 3 आपको लिखने, वहाँ पर वाटर एनिमल्स काफ़ी सारे थे, आप उनके उनमें से 3 एनिमल्स के नेम लिखने हैं, और वाइल्ड एनिमल्स भी काफ़ी सारे थे, इसमें आप जो 3 जो वाइल्ड एनिमल्स 3 वाटर एनिमल्स के बारे में आपने लिखना है, ठीक है। अब ये हमारी चैप्टर था जो कि कम्प्लीट हो गया, आपने अच्छे से इसको रीड आउट करना है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो हमारा वर्ड क्या था देखिए, आप वर्ड आपने देखिए रीड चैप्टर केयरफुली एंड यूज वन पेज राइटिंग, आपको वन पेज आपको अच्छे से पहले चैप्टर रीड आउट करना है, उसके बाद आपको वन पेज राइटिंग करनी है। वन पेज राइटिंग करने से पहले आपको मेंटेन अच्छे से टाइटल पेज बनाना है, ब्लू कलर से आपको टाइटल का नेम लिखना, ब्लैक और ब्लू कलर के अलावा कलर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपने चैप्टर का टाइटल पेज मेंटेन किया, अगर आप चाहें अगर आप फ्री टाइम है अगर आप चाहें तो आप कोई भी एनिमल्स या बर्ड की आप वाटर एनिमल्स की या किसी भी एनिमल्स की आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, सफाई से 1 से 2 पिक्चर, ज़्यादा नहीं 1 से 2 पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। टाइटल पेज बनाने के बाद वन पेज राइटिंग करेंगे,
वन पेज राइटिंग करने के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, वर्ड्स मीनिंग करेंगे। आप दोनों साइड्स पे लाइन ड्रॉ कर दें, कॉलम्स बना दें, आप वर्ड्स मीनिंग की वर्ड्स मीनिंग करेंगे। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट वर्ड है एनिमल, जानवर, कलर, रंग, इंसेक्ट्स, कीड़ा, स्विम, तैरना, ब्रेथ, सांस लेना, बर्ड, परिंदे, प्लांट्स, पौधे, वॉक, चलना, रन, दौड़ना, फ्लाई, उड़ना। ये आपको 8 से 9 आप लोगों की वर्ड्स मीनिंग दी गई जो कि आपने कॉपी में अटैम्प्ट करनी है। नेक्स्ट हम आएंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन आंसर थे, आपको ये 4 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही डाउट कर रही हूँ। नेम एनी 5 वर्ल्ड एनिमल्स, आपको 5 जानवरों के नाम लिखने हैं जो कि हमारे ज़मीन पे रहते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, फॉक्स, वॉल्फ, बियर। जी मैं आपको बताया था टाइगर, लायन, फॉक्स, वॉल्फ, बियर के बारे में। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच एनिमल्स कैन वी कीप अस पेट, वो एनिमल्स जो कि हम घर में पालते हैं, कौन से हम घर में जानवर्स पालते हैं। वी कीप अ कैट एंड डॉग, हम जो कैट और डॉग को घर में पालते हैं। नंबर 3, विच एनिमल गिव अस मिल्क, कौन से एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं। काओ क्या मतलब गाय जो हमें दूध देती है, गौर मतलब बकरी हमें दूध देती है, कैमल हमें ऊन जो है हमें दूध देता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल्स कैन बी यूज एज अ कार्ट, जैसे कि वो एनिमल्स बताएं जो कि हमारे यूज में है, जैसे कार्ट मतलब जिस तरह से हॉर्स है हम अपने गाड़ी के पीछे इस तरह से लगा लेते हैं, डोंकी जो डोंकी मतलब गधा जो है वो उसके हम गाड़ी के पीछे बनाते हैं, हम ही मतलब कि हमारे यूज में आते हैं, हमारे उसमें आते हैं, काम में आते हैं, कैमल हो गया, हॉर्स हो गया, डोंकी हमारे इसमें यूज़ में आ जाते हैं। हम क्वेश्चन आंसर टाइम करने के बाद आएंगे अपने मल्टीपल चॉइस की तरफ, मतलब कि एम सी क्यूज की तरफ। आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 आपको एम सी क्यूज दिए गए हैं। जैसे कि हमारे ये फर्स्ट आपको लर्न करके बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट्स, तो वो मतलब कि आपको ऑप्शन दिए गए रैबिट, बटरफ्लाई, काउ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट, मतलब कौन सा ऐसा जानवर जो है कीड़ा है, तो रैबिट का कीड़ा है नहीं, काउ कीड़ा है नहीं, तो बटरफ्लाई हमारा क्या है, कीड़ा। तो इसे हम बटरफ्लाई हमारा राइट ऑप्शन है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग थिंग, तो हमारा कौन सा जानवर जो जानता है, इज नॉट अ लिविंग थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग थिंग, ऐसा कौन से जो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी जानदार है, इसमें भूख है, आंट है, फ्लाई, फ्लाई जो है वो फ्लाई उड़ना जो है वो हमारा जानदार है नहीं, आंट है या जानदार है, नॉन जानदार मतलब कि इज नॉट अ लिविंग थिंग, जानदार कौन सी चीज़ नहीं है। हमारी जो उड़ने वाली चीज़ें वो जानदार होती हैं, आंट जो हमारा जानदार है, भूख हमारी जानदार है, जानदार नहीं, इसलिए हमारा भूख जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से आपको आगे भी 3 ऑप्शन, ये आपको एमसीक्यू दिए गए, आपने इसे अटैम्प्ट करना है। जो हाईलाइट है वो आपका राइट ऑप्शन है। एक बार अगेन बता रहे कि जो हाईलाइट आपको दिए गए हैं वो आपके राइट ऑप्शन है जो कि आपने ब्लैंक में फिल करने हैं। ब्लैंक जो है आप ब्लैक कलर से ब्लैक कलर से आप उसकी करेंगे, ब्लू कलर से आप उसे फिल आउट करेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे अपने ट्रू फॉल्स की तरफ। इस तरह से आपके ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, आपने ये आपको हाई सॉल्व करके देंगे, इस तरह से आपने एज इट इज कॉपी में सॉल्व करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। ट्रू फॉल्स करने के बाद आप आएंगे अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ। रेड लाइन पर आप एक्टिविटी की हेडिंग डालेंगे, इस तरह से आपको मैच के कॉलम देंगे, जैसे कैमल है, कैमल्स के बारे में, कैमल कैरी हैवी लोड, मतलब कि इस तरह से आपको शिप है, शिप क्या है, शिप गिव अस वूल, इस तरह से हैन है आपको क्या देती है, मतलब कि गोश्त वगैरह देती है। इस तरह से आपको मैच करना है एनिमल्स को, उनका क्या क्या काम है, एनिमल जानवरों का क्या क्या काम है, उनका आपने उसे वो जैसे कैमल है वो हैवी लोड, कोई भी हैवी लोड है वो उठा सकते हैं, इस तरह से जो भी उनके काम है आपको उनसे मैच करना है। नेक्स्ट आपके फर्स्ट एक्टिव नंबर 2, राइट द नेम्स, आपको वाटर से 5 वाटर एनिमल्स, 5 वाइल्ड एनिमल्स, आपको इनके नेम्स लिखने हैं। बुक में आपको फीचर्स दी गई हैं, नेम भी देखिए, आपको वहाँ से लिखकर अपनी ये एक्टिविटी करनी है। लास्ट में ये एक्टिविटी आपने कॉपी में अटैम्प्ट करनी है। नेक्स्ट हम इसी तरह से मैंने आपको बताया था फॉलोइंग बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स, मतलब कि आपको दिए गए आप माउस है, आपको माउस में M-USE आपको कौन सा आपने फिल करने से पहले फिल करना है उसे, जो कि ब्राइडल नेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड स्मॉल, मतलब कि आपको ये दिए गए आपने इनके मिसिंग वर्ड्स करने हैं। फिर आपको नेक्स्ट राइट यस और नो का दिया गया, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ये पढ़ना है मंकी क्लांट्री, क्या मंकी जो है लटकता है दरख्त पे, यस, तो इस तरह से आपको यस और नो में इस आंसर देना है। हम आएंगे अपने डायग्राम की तरह, जो कि आपने कॉपी में लाजमी ड्रॉ करनी है डायग्राम। ड्रॉ अ फिश इन कॉपी, आपको फिश बनानी है, ड्रॉ अ बटरफ्लाई इन कॉपी, मतलब कि आपको बटरफ्लाई और फिश जो है आपको ड्रॉ करनी है कॉपी में। डायग्राम